आपका दिमाग उचट गया था। आज फिर से दफ्तर में थोड़े ज्यादा बिजी होने के कारण अपसेट से थे और बाहर बारिश हो रही थी। उनका मन किया कि पास वाले ढाबे पर चल के कुछ खाया जाए, तो दफ्तर में जल्दी से काम निपटाकर फटाफट ढाबे पर पहुंच गए। ढाबे पर रामू दौड़ता हुआ आया, हाथ में पानी का गिलास मेज पर रखते हुए साहब को नमस्ते की और बोला, क्या बात है साहब, काफी दिनों बाद आए हैं आज आप। साहब बोले, हाँ रामू, मैं शहर से बाहर गया था। बैठिए साहब, अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, रामू बोला। एक बड़ा साधारण सा ढाबा था, पर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहां आना बहुत अच्छा लगता था। और साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका मन पसंद खाना अपने आप ही रामू ले आता था। स्वाद भी बहुत होता। साहब को यहाँ के खाने की आदत पड़ती जा रही थी, कुछ ज्यादा ही स्वाद लगता था यहाँ का भोजन साहब को। पता नहीं रामू को कैसे पता लग जाता था कि साहब को कब क्या अच्छा लगेगा। आज मंगलवार है, वो क्या खाना पसंद करेंगे। बुधवार का मेन्यू डिफरेंट होता, जो भी लाता परफेक्ट। पैसे भी बहुत कम लगते थे यहाँ पर। साहब बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि तभी जाने पहचाने पकोड़ों की खुशबू से साहब का मन खिल उठा। अरे रामू, तू बड़ा जादूगर है भाई, इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता था, साहब ने ये बात पकोड़े खाते हुए कही। रामू बोला, साहब पेट भर के खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी ला रहा हूं, बन रही है। साहब का मूड एकदम फ्रेश हो चुका था। देख भाई रामू, आज मैं तुम्हारे ढाबे के कुक से मिलकर ही जाऊंगा। कैसे पता चलता उसको क्या मुझे किस वक्त क्या अच्छा लगता है और परफेक्ट स्वाद वैसा ही जैसा मुझे चाहिए। कितना नमक, कितना स्वाद, भाई आज तो अपने कुक से मिलवाई दे। नहीं नहीं साहब, वो नहीं मिलेंगे आपसे। देख मैं बोलता हूँ, आज तो मिलके ही जाऊंगा, साहब ने अपनी पुरानी जिद दोहरा दी। हर बार रामू टाल देता था, लेकिन साहब ने जिद पकड़ ली थी कि वो रसोई से मिलकर ही रहेंगे, तो जबरदस्ती रसोई में घुस गए। रामू की एक न चल पाई। अंदर पहुंचे तो साहब ने जो देखा भौचक के रह गए। व्हाट, एक औरत चाय बना रही थी, बहुत खुश थी। साहब के मुंह से निकला, मां तुम, मैंने तुम्हें इतने अच्छे हॉस्टल में भर्ती करवाया, अच्छा खासा पैसा खर्च कर, आप यहां पर। हाँ बेटा, मां बोली, अरे वो लग्जरी हॉस्टल, वो वृद्धाश्रम, वहां वो सुख कहां जो यहां आकर के तुझे खाना खिलाने में मिलता है। बस मुझे पता लग गया था तू यहां खाना खाने आता है। रामू से बात की, रोज आ जाती हूँ तेरा खाना बना के, और वही बचा हुआ खाना रामू भी खाता है, तो आज साहब को पता लग गया था कि रामू को उसकी पसंद की डिशेस कैसे पता है, क्यों वो कम से कम पैसे लेने की कोशिश करता है। रामू कहता है, मां सिर्फ आपको खाना खिलाने आती है साहब, और उसी में से बचा हुआ प्रसाद समझ के मैं खाता हूं, बाकी कस्टमर्स के लिए तो कुक दूसरा है। साहब की आंखों में आंसू थे। मां जानती है बच्चे को क्या अच्छा लगता है, और बच्चे मां के बारे में ज्यादा सोचे ना सोचे, मां की सोच में तो संतान ही बसी रहती है।